अने अनुराग ठाकुर जो माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं, तो ऐसे करते हैं प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोटिस दे दो। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ संवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस 18वीं लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बार फिर निर्वाचित होकर हमारे सदन के स्पीकर बने हैं। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके इस कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी संख्या में नए सदस्य 18वीं लोकसभा में चुनकर आए हैं, बहुत सारे पुराने भी आए हैं। नए वालों को भी और पुराने वालों को भी सदस्य चुनकर जो आए हैं, संसद के सदस्य बने हैं, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव है और जनता ने इस पर मोहर लगाई है। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। देश का ये चुनाव ऐतिहासिक जनादेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महानुष्ठान पर मोहर है। देश को जरूरत थी एक स्थिर और निरंतर सरकार की, और देश ने एक स्थिर, निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है और मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। यह जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। यह जनादेश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। यह जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। यह जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। यह जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। यह जनादेश भारत की सेना, सरहद और सनातन की सुरक्षा का है। यह जनादेश यह भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और मैं ही नहीं, अब तो दुनिया भर के अनेकों देशों ने सर्वोच्च सम्मान अपने देश का किसी को दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री और देश के लोकप्रिय नेता मोदी जी को दिया है। मोदी जी कैसे नेता जिनको यूएस कांग्रेस में एक बार नहीं, दो बार अपनी बात रखने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी अनेकों बातें, लेकिन ऐसे ही कोई मोदी नहीं बन जाता। इसके लिए तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, जीवन व्यतीत करना पड़ता है, और मोदी जी ने तो अपने जीवन का हर क्षण हर पल देश के लिए जिया है, माँ भारती के लिए जिया है। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि हम सबको ज्ञात है कि 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो तब से लेकर अब तक 23 वर्षों में एक दिन की भी छुट्टी अपने लिए नहीं ली, अपना जीवन जनता के लिए समर्पित किया है।
इससे बड़ी बात क्या होगी कि अगर किसी के जीवन में दुख का क्षण आता है जब अपनी माँ से बिछड़ते हैं और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माताजी का स्वर्गवास हुआ तब भी उन्होंने उनकी चिता को अग्नि देने के बाद मात्र 2 घंटों के अंदर ही देश के लिए काम करना शुरू कर दिया, इससे बड़ा समर्पण भाव क्या हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के दिल में जो गरीब और जरूरतमंद के लिए पीड़ा है हमने वो कोविड के समय देखा है। उनकी नीतियों में, कार्यक्रमों में, सब में नजर आता है कि वो गरीब के लिए कितने चिंतित रहते हैं। और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को, अगर आप 2014 में देखें, मोदी जी जब सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद संसद आए तो पहला शीश कहीं पर झुकाया तो संसद की पहली सीढ़ी पर झुकाया और दुनिया के इस महान लोकतंत्र को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नमन करते हुए अंदर आए। और अंदर आकर भी अगर शीश कहीं झुकाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर शीश झुकाकर उन्हें कहा था, मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी, मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा कि सारी योजनाएं उस दिशा में चली और जो पुराने नारे देते थे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, इनके नारे ही रह गए। लेकिन मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ये बड़ा आंकड़ा देखने को मिलता है। और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो कोविड के समय हुआ, पिछले 100 वर्षों में दुनिया ने सबसे बड़ी त्रासदी तब देखी, भारत ने भी संकट को झेला और मैं भी उस समय सरकार का हिस्सा था। और मुझे याद है आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली बात कही वो ये कहा कि देश के गरीब का थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, तो मोदी सरकार ने दिया है और आज वो देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। उस समय दुनिया भर में जो डिलीवरी मैकेनिज्म था वो रुक गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने देश के हर कोने तक अनाज पहुंचाया। वो बात अलग है, कुछ राज्यों में अपनी मोहर लगाकर लोगों ने वो सब काम किया। मैं एक और कहना चाहता हूं, कोविड के समय बहुत जरूरी था, प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी जहान भी, और जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। जो पहले हमारे देश में होता था कि 40-40 साल दुनिया भर से वैक्सीन आती थी, इंपोर्ट करने में पुरानी सरकारें लगी रहती थी, आत्मनिर्भर भारत ये केवल सोच ही नहीं, ये केवल संकल्प नहीं, उसको सच करके दिखाया। भारत ने अपनी 2-2 वैक्सीन को बनाया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। आज इस सदन में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो भारत की बनी वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भारत के लोगों ने वैक्सीन तो लगाई ही, दुनिया के 157 देशों को दवाई और वैक्सीन देने का काम वैक्सीन मैत्री में किया तो हमारे भारत ने किया है। मैं विकसित भारत पर कुछ जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि ये जनादेश है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, और इस यात्रा में हम चाहेंगे कि विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिले, हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। और अगर आज मैं एक बात करूं स्पोर्ट्स से स्पेस की और साइंस से स्टार्टअप्स की, तो हर क्षेत्र में भारत के नए कीर्तिमान दिखते हैं, आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है मेरे जो आंकड़े में देने वाला। माननीय अध्यक्ष जी, हमें विरासत में क्या मिला था, जब 2014 में हम आए तो इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड टुडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था आप छोड़कर गए थे, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है, और अगले 5 वर्षों के अंदर दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था मेरे भारत की होगी। और ये ऐसे नहीं हो गया, अगर मैं कहूं इनके समय इकोनॉमी फेलियर्स थे, पॉलिसी पैरालिसिस थी, स्कैम्स थे, क्रोनी कैपिटलिज्म था, ये सब आपके समय था, एक के बाद दूसरे घोटाले होते थे। लेकिन आज अगर मैं आंकड़े देखकर बताऊं, पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप भी नहीं लगा पाया, ईमानदार सरकार दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है।
जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% थी, अगर मैं क्वार्टर थ्री की बात करूं पिछले साल की तो 8.4% है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश भारत है। सीएजीआर इन्फ्लेशन की बात करूं तो आपके समय 8.7% था, आज वो कम होकर 4.8% रह गया। एफडीआई 36 बिलियन डॉलर थी इनके समय, हमारे समय 72 बिलियन डॉलर, दुगनी है। एक्सपोर्ट इनके समय 466 बिलियन डॉलर था, आज 770 बिलियन डॉलर है। फॉरेक्स रिजर्व जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं, विदेशी मुद्रा भंडार माननीय अध्यक्ष जी 303 बिलियन डॉलर से बढ़कर आज 650 बिलियन डॉलर हो गया। 10 साल में हमने देश के खजाने को दुगना भरने का काम किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 5.1% था वो कम होकर 2% रह गया है। यही नहीं, अगर हम देखेंगे तो गरीब और ज़रूरतमंद इसके जीवन में क्या बदलाव आया। हमारी पार्टी का विचार ही अंत्योदय पर है, पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार कैसे लाया जाए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को आगे बढ़ाकर जमीन पर लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जहां देश में गरीब जरूरतमंद के पास शौचालय नहीं था, पक्का मकान नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, माननीय अध्यक्ष जी क्या बदलाव आया 10 सालों में। पिछले 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीब और जरूरतमंद को दिए, तो नरेंद्र मोदी जी की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए, पहले मात्र 3 करोड़ घरों को नल से जल आता था, हमने 11 करोड़ और नए घरों को जल नल से जल देने का काम किया, जल जीवन मिशन में किया है। हमने लगभग हर घर तक बिजली पहुंचा दी, हर गांव तक तो बिजली पहुंचाई दी, हजारों गांव को विद्युतीकरण करने का काम किया है। और यही नहीं, आज देखा जाए तो जल जीवन मिशन के अलावा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जहाँ वॉश हम कहते हैं, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, इस क्षेत्र में बहुत काम किया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ जुड़ा है। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब को लगता था कि वो अपना इलाज कहाँ करवाए, उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता था। आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का कार्य किया, तो मोदी सरकार ने किया। और अब 70 वर्ष से ज़्यादा की उम्र वालों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, तो एनडीए की सरकार ने देना शुरू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे गरीब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और जब मैं कहता हूं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो ये उन लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने 60 साल राज किया, गरीब को और गरीब किया, लेकिन हमने 10 सालों में वो करके दिखाया, क्योंकि गरीब माँ के बेटे को आज देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो उन्होंने उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। जब गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकलता है तो उसकी क्रय शक्ति और बढ़ती, खरीदने की शक्ति बढ़ती है, उससे डिमांड और जनरेट होती है, उससे प्रोडक्शन को और बल मिलता है और कारखानों में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को और बल मिलता है। यही नहीं, हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में कैसे बदलाव हुआ। जन विश्वास एक्ट की मैं बात करूं तो हमने 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है, 42 सेंट्रल एक्ट में इनको बदलाव करके व्यापारी को, आम जनमानस को काम करने में वो जो डर होता था जेल जाने का, उसको ख़त्म किया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं कहना चाहता हूँ, 63,000 के लगभग कंप्लाइंसेस देश में होती थी, 39,000 कंप्लाइंसेस के बटन को ख़त्म कर दिया है और आगे निरंतर प्रयास जारी है कि हम इसको और सुधार करेंगे और जनता को काम करने में और अवसर मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारा रैंकिंग 184 था, आज 27वां है। बिजली प्राप्त करने में 137वां हमारा स्थान था, आज 22वां है। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन में 13वां स्थान था, आज वो 25वां है। और ये सारे कदम हमने उस दिशा में उठाए और देश के युवाओं में नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, ये एक आंकड़ा मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ जो बदलाव दिखाता है। स्टार्टअप हमारे देश में मात्र 350 थे, हम दुनिया में कहीं खड़े नहीं थे, आज वो 350 से बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हो गए। और माननीय सभापति जी, इसके साथ साथ हमारा भारत
दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। हमारे यहाँ पर मात्र 3 से 4 यूनिकॉर्न थी, आज लगभग 107 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बनी है। एक यूनिकॉर्न का मतलब है 8,500 करोड़ से ज़्यादा उसकी वर्थ होना। आज स्पेस सेक्टर भी हमने खोल दिया है, 160 से ज़्यादा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 7,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। लेकिन इन सब के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? बैंकिंग क्षेत्र तो पिछली सरकार ऐसा छोड़कर गई थी कि ऐसा लगता था देश के सारे बैंक बंद ही हो जाएंगे, चरमरा जाएंगे। 12 में से 11 की स्थिति तो घाटे वाली थी, अधिकतर पीसीए फ्रेमवर्क में थे। लेकिन हमारी 4R स्ट्रेटजी ने देश में वो बदलाव किया, रिफॉर्म लाकर, रेजोल्यूशन रिकवरी लाकर, रिकॉग्निशन रिकैपिटलाइजेशन, इन पांचों चारों के वजह से आज क्या बदलाव हुआ है आप कल्पना कीजिए। हमारे यहाँ पर जो 36,000 करोड़ का मुनाफा आता था पब्लिक सेक्टर बैंक का, आज बढ़कर 1,41,000 करोड़ हो गया, 1,41,000 करोड़। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA थे वो 15% से कम होकर मात्र 3% रह गए। अब ये और कम होने वाले, हमारे बैंक और मजबूत होने वाले हैं। बैंकों की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 4,50,000 करोड़ थी वो बढ़कर 17,00,000 करोड़ हो गई, लगभग 4 गुना ज़्यादा हो गई। इनके समय फ़ोन बैंकिंग चलती थी, फ़ोन होता था, बैंक वाले पैसे दे देते थे और वो पैसा लेकर विदेश भाग जाते थे। हमने NDA में भी कमी लाए हैं, स्ट्रेस्ड एसेट में भी कमी लाए हैं, आज उसका प्रभाव माननीय सभापति जी ये फ़र्क पड़ता है। 2014 में एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट था 14.25%, जो कम होकर रह गया लगभग 9%। होम लोन मिलता था 10.15% इंटरेस्ट रेट पर, आज मिलता है 8.40% पर। ऑटो लोन था 10.95% पर, आज रह गया 8.75% पर। पर्सनल लोन था 14.25% इंटरेस्ट पर, आज है 11.5% पर। ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किन आधार पर हुई है? इसके लिए डिजिटाइजेशन, ईजी क्रेडिट और फॉर्मलाइजिंग एम्प्लॉयमेंट, इसका बहुत बड़ा रोल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति के पास आधार है, बैंक खाता है, मोबाइल का कनेक्शन है और दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन और डेटा प्लान अगर कहीं है तो आज हमारे भारत में भी है। आज यही नहीं, जैम पोर्टल पर आज छोटे से छोटा व्यापारी भी अपना सामान बेच सकता है। और मात्र 5-6 वर्षों में माननीय सभापति जी, जो कुछ हजार करोड़ से लेकर कई लाख करोड़ तक की खरीद आज जैम पोर्टल पर पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये भी हुई। किसानों के लिए ई नैम की सुविधा दी, फास्टैग हमने अपने जो टोल हैं उसके लिए बनाया। पहले 743 सेकंड लगते थे टोल पार करने के लिए, आज मात्र 43 सेकंड में ही आप पार कर जाते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पर हुआ है। जहाँ तक मैं इजी क्रेडिट की बात करता हूँ तो मुद्रा योजना एक ऐसी है जहाँ लगभग 43 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए और लगभग 34,00,000 करोड़ रुपया देश के लोगों को मोदी जी की गारंटी पर मिला और उन लोगों ने अपने काम काज की शुरुआत की है। आपके समय तो बैंक खाता खोलना भी मुश्किल हो जाता था, 2 लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ता था। आज 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते लोगों के घर पे जाकर भी खुलवा दिए, ये सरकार आपके घर द्वार, ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और यही नहीं, SC ST वुमेन के लिए और हमारे SC ST और वुमेन, इन तीनों के लिए आज स्टैंड अप इंडिया योजना मोदी सरकार लाई, जिससे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनने की सुविधा मिली है। पीएम स्वनिधि योजना में लगभग 70,00,000 स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटरी वालों को बगैर किसी गारंटी के अगर पैसा मिला और अपना व्यापार करने का अवसर मिला तो नरेंद्र मोदी जी की NDA की सरकार में मिला। माननीय सभापति जी, ये कहना आसान होता है, ये कोविड के समय भी जो मदद मिली 10,000 रुपये से शुरू किया था, जिन लोगों ने समय पर पैसा वापस कर दिया, डिजिटल पेमेंट से वापस किया, उनका इंटरेस्ट भी माफ हो गया, 10,000 की बजाय आज 20,000 का पैसा मिला, 20,000 से 50,000 मिला और आज उनका व्यापार भी बना, कई उनमें से लखपति भी बन गए। अब तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वनिधि योजना लाने वाले, ग्रामीण क्षेत्र के रेडी पटरी वालों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। हमने नए लेबर लॉज लाए और इसके कारण हमें फायदा मिला। ई श्रम
हमने इसको फॉर्मलाइज किया, जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते थे, आज लगभग 30 करोड़ ई श्रम कार्ड बने हैं। और ईपीएफओ में अगर मैं कहूँ रजिस्ट्रेशन जो नहीं हुई है वो लगभग 7 करोड़ 40 लाख है, जो 2018 से लेकर 2024 तक हुई। इससे पता लगता है देश में रोजगार की संभावनाएं भी बहुत बड़ी हैं। डिजिटल इंडिया, अगर मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करूं या फिर कोविन ऐप की बात करूं, आरोग्य सेतु ऐप की बात करूं, ई नैम से लेकर हमारे जेम पोर्टल की बात करें या डिजिटल ओपीडी सर्विसेज, डिजिटल कोर्ट्स की बात करें, आज हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। एक पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए गांव में किसको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, कहां कोई 7.5 रुपए में आलू या टमाटर खरीद पाएगा, कैसे पैसों का लेन देन हो पाएगा। आज मैं इस सदन के माध्यम, सदन को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो वो शायद सोचते थे कि संभव नहीं हो पाएगा, वो असंभव को भी संभव हमारी सरकार ने करके दिखाया। आज भीम यूपीआई, जी भीम यूपीआई आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स, आज दुनिया की 40% डिजिटल पेमेंट कहीं होती है तो हमारे भारत में होती है। रेडी वाला भी करता है, चाय वाला भी करता है, पटरी वाला भी करता है, बड़े से लेकर बड़ा व्यापारी, छोटे से छोटा व्यापारी भी करता है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, 13 लाख करोड़ से ज्यादा का लेन देन होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति जी ये कहना चाहता हूं, ये भारत को जहां रोकना चाहते थे वहां भारत रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आपको दिखेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब मैं बात करता हूं, अगर 2 साल पहले 7.5 लाख करोड़ था तो पिछले साल 10 लाख करोड़ था, अब 11,11,111 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हुआ है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं सदन को भी उसके लाभ मिल पाएगा, थोड़ी जानकारी मिलेगी। अगर 2014 में हम कहां खड़े थे, 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं। 2014 में 206 रूट थे, आज 609 रूट हैं। 2014 में हम कहीं नहीं थे, आज दुनिया की तीसरी बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। 2014 में हम 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1,50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज लगभग 7 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 में 16 IIT थे, आज 23 IIT हैं। 2014 में 13 IIM थे, आज 21 IIM हैं। 2014 में 7 AIIMS थे, आज 23 AIIMS हैं। 2014 में 9 IIIT थी, आज 25 IIIT हैं। और यही नहीं, उस समय 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। तब 723 यूनिवर्सिटी थी, आज 1,117 यूनिवर्सिटीज हैं। तब 50,000 सीटें MBBS की थी, आज 1,01,000 से ज़्यादा सीटें MBBS की हैं। तब 31,000 के लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हैं, आज 65,000 के लगभग सीटें हैं। उस समय और अब के समय में इतना अंतर है माननीय सभापति जी कि उस समय स्टार्टअप 350 थे, आज 1,00,000 स्टार्टअप है। उस समय 4 यूनिकॉर्न थे, आज 107 यूनिकॉर्न है। तब आपका बैंकों का प्रॉफिट 36,000 करोड़ था, आज 1,41,000 करोड़ है। तब NPA 15% था, 3%, तब मार्केट कैप बैंकों की 4 लाख करोड़ थी, आज 17 लाख करोड़ है। आज कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। मैरीन एक्सपोर्ट की बात करूं तो उस समय $5 बिलियन था, आज $8.9 बिलियन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट हमारे $6 बिलियन था, आज $24 बिलियन 4 गुना ज़्यादा हो गया है। टॉय एक्सपोर्ट हमारा उस समय 96 मिलियन था, आज 326 मिलियन 3 गुना से ज़्यादा हो गया। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे $320 बिलियन से बढ़कर $650 बिलियन हो गए। एक्सपोर्ट हमारा $470 बिलियन से बढ़कर $770 बिलियन हो गया। हमारा ग्रॉस टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू मात्र 11 लाख करोड़ था, आज 33 लाख करोड़ हो गया। लोगों ने ईमानदारी के साथ टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया। उस समय 2 मेगा फूड पार्क थे, आज 200 मेगा फूड पार्क हैं। आपके समय 2 करोड़ आवास बने, हमारे समय 4 करोड़ आवास बने। आपके समय तक 70 सालों में 3 करोड़ घरों में नल से जल था, आज 14 करोड़ घरों में नल से जल है। आपके समय सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर थे हम मोबाइल फोन के,
आज हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं मोबाइल के। भाई और बहनों, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय जीडीपी हमारी 1.8 ट्रिलियन थी, आज 3.8 ट्रिलियन पार कर गई है। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे और भी मेरे पास आंकड़े हैं।